सो गाइस आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइटरूम की ऐसा कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लोग सिर्फ एक फोटो को नहीं अपनी किसी भी खराब से खराब फोटो को कुछ इस तरह एडिट कर सकते हो सिर्फ कुछ ट्रिक्स को यूज करके गाइस। तो गाइस वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोग जिस भी फोटो को एडिट करना है उस फोटो को शेयर कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस हमारी फोटो शेयर हो चुकी है, आप लोग ऊपर देख सकते हो लाइटरूम फिनिश, इस पर क्लिक कर देना। करने के बाद आप लोग देख सकते हो ऑल फोटोज वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। तो गाइस ये रही हमारी फोटो, आप लोग देख सकते हो इस पर क्लिक कर देना। तो गाइस हमारी फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो चुकी है और एडिटिंग के लिए ऑप्शन आ चुकी है, आप लोग देख सकते हो गाइस। तो सबसे पहले क्या करना है, इधर आप लोग देख सकते हो ऑटो वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। वो थोड़ा बहुत लाइटरूम एडजस्ट कर देगा अपने हिसाब से, लेकिन हम क्या करेंगे उसके नीचे वाला ऑप्शन देख सकते हो, लाइट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद इधर से एक्सपोजर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। गाइस मैं इधर से थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ, नहीं गाइस एक्सपोजर ज्यादा लग रहा है मेरे को, तो मैं इधर से थोड़ा माइनस के साइड रखूँ। गाइस इधर से रख लेता हूँ एक्सपोजर के वैल्यू को -0.7। एंड नेक्स्ट हम हाईलाइट पर आएंगे, हाईलाइट के वैल्यू को रखेंगे हम -50। एंड नेक्स्ट हम आएंगे शेडो पर और शेडो के वैल्यू को इंक्रीज करके रखेंगे हम 71। एंड व्हाइट ज्यादा लग रहा है मेरे को, तो व्हाइट के वैल्यू को थोड़ा कम करते हैं गाइस। तो व्हाइट के वैल्यू को रखेंगे हम +11। एंड ब्लैक को थोड़ा कम करेंगे, तो गाइस ब्लैक के वैल्यू को रखेंगे हम -16। तो गाइस इतना हो जाने के बाद आप लोग ऊपर देख सकते हो कर्व वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। करने के बाद इधर आप लोग देख सकते हो रेड व्हाइट ग्रीन और ब्लू, व्हाइट कलर को सिलेक्ट करना। करने के बाद बीच में एक डॉट बना लेना, बनाने के बाद उसके ऊपर एक डॉट बना लेना और उसके नीचे भी एक डॉट बना लेना। तो सबसे पहले ऊपर वाला डॉट को ऊपर की तरफ रखेंगे और नीचे वाला डॉट को नीचे की तरफ रखेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ गाइस, आप लोग देख सकते हो। गाइस हो चुके हैं, इतना हो जाने के बाद ऊपर आप लोग देख सकते हो डन वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करके यहाँ से कर लेना है डन। तो गाइस हमारा बेसिक फोटो का जो लाइट एडजस्टमेंट है वो खत्म हो चुका है। इतना हो जाने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना, आप लोग देख सकते हो कलर वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। करने के बाद इधर आप लोग थोड़ा नीचे आना स्क्रॉल करके, तो नीचे आप लोग देख सकते हो ब्राइटनेस वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करके इसके वैल्यू को रखना है गाइस 65 या 66 के आसपास। तो गाइस मैं इधर से रख लेता हूँ 66 और सैचुरेशन को बिल्कुल जीरो कर देना। तो इतना करने के बाद ऊपर आप लोग देख सकते हो टिंट वाला ऑप्शन, इसे आप लोग डिक्रीज कर देना थोड़ा, जैसे कि -11। गाइस आप लोग देख सकते हो ऊपर मिक्स टूल वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। करने के बाद फास्ट रेड कलर को सिलेक्ट करना। करने के बाद सबसे पहले उसके लुमिनेंस के वैल्यू को इनक्रीज करना। तो गाइस इसके वैल्यू को रखते हैं हम +30। एंड नेक्स्ट हम जाएंगे ऑरेंज कलर पर जो कि है हमारे फेस के कलर, इस पर क्लिक करेंगे। उसके सेचुरेशन की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे थोड़ा, जैसे कि -11। एंड लुमिनेंस को इंक्रीज करके देखेंगे कितना रखना है गाइस। तो गाइस उसके वैल्यू को रखते हैं गाइस 41 के आसपास। उसके ह्यू की वैल्यू को भी थोड़ा इंक्रीज करेंगे, तो गाइस मैं इधर से रख लेता हूँ 1। एंड नेक्स्ट हम जाएंगे फिर से रेड कलर पर और हमारा फेस पर रेड रेड आ रहा है, तो इसके लिए उसके लुमिनेंस के वैल्यू को थोड़ा और इंक्रीज करेंगे, जैसे कि 71। एंड नेक्स्ट हम जाएंगे येलो कलर पर और आने का सबसे पहले उसके लुमिनेंस के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस मैं इधर से रख लेता हूँ 27 के आसपास। एंड इसके सेचुरेशन को थोड़ा डिक्रीज करेंगे, जैसे कि -16। एंड नेक्स्ट हम जाएंगे ग्रीन कलर पर और ग्रीन कलर पर आने के बाद सेचुरेशन को माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो गाइस इसकी वैल्यू को रखते हैं -67। एंड लुमिनेंस को थोड़ा इंक्रीज करेंगे ताकि हमारा टी शर्ट थोड़ा ब्राइट हो जाए, क्योंकि मेरा टी शर्ट की कलर है ग्रीन। तो गाइस इसके वैल्यू को रखते हैं 60 के आसपास। नहीं गाइस 60 ज़्यादा लग रहा है मेरे को, तो मैं थोड़ा और कम कर लेता हूँ, जैसे कि 25। एंड उसके सेचुरेशन की वैल्यू को भी थोड़ा कम कर लेता हूँ, उसके वैल्यू को रखते हैं हम -44। एंड नेक्स्ट हम जाएंगे सैन कलर पर और सैन कलर पर आने के बाद इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को प्लस करेंगे थोड़ा, जैसे कि 52। ह्यू की वैल्यू को रखेंगे हम प्लस करके 28 के आसपास। नेक्स्ट हम जाएंगे ब्लू कलर पर और ब्लू कलर पर आने के बाद उसके सेचुरेशन की वैल्यू को रखेंगे हम 69। एंड इसके ह्यू की वैल्यू को भी थोड़ा इंक्रीज करेंगे, जैसे कि 26। वैसे इतना हो जाने के बाद नेक्स्ट हम जाएंगे पर्पल कलर पर और इधर भी सेम सेचुरेशन को इंक्रीज करेंगे, जैसे कि 53। एंड इसके ह्यू की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे, जैसे कि 27। इतना हो जाने के बाद यहाँ से कर लेंगे डन। तो गाइस हमारे बेसिक से एडिटिंग हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। इतना हो जाने के बाद आप बारी है कलर ग्रीन कर
करने की फोटो में। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर थ्री डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो कि है कलर ग्रेडिंग का। करने के बाद इधर आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आप लोग सबसे पहले थ्री डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना जो कि है हाईलाइट का। क्लिक करने के बाद इधर आप लोग ह्यू और सैचुरेशन को मिलाना है। आप लोग फोटो में हाईलाइट, आप लोग के फोटो में जो भी हाईलाइट के पार्ट है, आप लोग उस हाईलाइट कौन सा कलर रखना चाहते हो इधर से सिलेक्ट कर लेना है आप लोगों को। मतलब हाईलाइट मतलब जो भी पार्ट में ज़्यादा लाइट है उस कलर पर सिर्फ आप लोग यहाँ से जिस भी कलर को सिलेक्ट करना चाहते हो उस कलर अप्लाई होगा। जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ गाइस, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस मैं यहाँ से हल्के से ब्लू कलर को रखूँगा, इसके लिए नीचे की साइड ले आता हूँ। आप लोग देख सकते हो जो भी हाईलाइट पार्ट है इधर ब्लू कलर में हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। तो इतना हो जाने का नीचे आप लोग देख सकते हो एरो वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना और यहाँ से भी आप लोग ह्यू और सैचुरेशन को मिला सकते हो गाइस। तो गाइस मैं इधर से सैचुरेशन को और थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ जैसे कि 42। एंड आप लोग यहाँ से चाहो तो ब्लेंडिंग को इंक्रीज कर देना थोड़ा, और बैलेंस को भी कर सकते, आपका मर्जी गाइस। तो गाइस इतना होने के बाद आप लोग ऊपर आ जाना। ऊपर आने के बाद सबसे पहले वाला डॉट पर क्लिक करना जो कि है हेयर शेडो का। इस पर क्लिक करने के बाद इधर भी सेम आप लोग सबसे पहले सैचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज कर देना। करने के बाद आप लोग यहाँ से कलर को इंक्रीज करना, ह्यू को, मतलब शेडो के पार्ट को आप लोग किस कलर में रखना चाहते हो इधर से सिलेक्ट कर लेना। आप लोग देख सकते हो हमारे फोटो में जो भी शेडो का पार्ट है कलर चेंज हो रहा है। तो गाइस मैं इधर से ह्यू को रख लेता हूँ 179 के आसपास। इतना रखने के बाद गाइस मैं इधर से सैचुरेशन को और थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ जैसे कि 60। एंड ल्यूमिनेंस को थोड़ा डिक्रीज कर देंगे। तो गाइस हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। इधर से आप लोग चाहो तो बैलेंस को भी एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं इधर से कर लेता हूँ ऊपर डन वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करके यहाँ से कर लेना है डन। तो गाइस हमारे फोटो की कलर ग्रेडिंग हो चुकी है। आप लोग अभी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस इतना हो जाने के बाद हमारी फोटो फीका फीका सा लग रहा है, तो क्या करेंगे ऊपर मास्किंग टूल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। करने के बाद इधर आप लोग देख सकते हो प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, और इधर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग देख सकते हो। तो इधर आप थर्ड नंबर पर रेडियल ग्रेडियंट, इसको सिलेक्ट कर लेना आप लोग। और सिलेक्ट कर लेने के बाद मॉडल पर कुछ इस टाइप से ड्रॉ करना, करने के बाद इसे थोड़ा इस साइड से बड़ा कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो गाइस। मैं और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जैसे हमारे बॉडी पर ही फिट हो जाए गाइस। तो गाइस हो चुके हैं, कोने में आप लोग देख सकते हो लाइट वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद इधर से एक्सपोजर की वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज कर देना, हमारे फोटो में थोड़ा ब्राइटनेस आ जाए। मैं इधर से कंट्रास्ट की वैल्यू को थोड़ा डिक्रीज कर रहा हूँ, एंड यहाँ से शेडो को भी थोड़ा अप कर देना, जो भी शेडो का पार्ट है इधर इंक्रीज हो जाएगा। और एक्सपोजर मेरे को तो ज़्यादा लग रहा है तो इधर से मैं कर लेता हूँ थोड़ा कम। तो इतना हो जाने के बाद आप लोग ब्लैक को भी इंक्रीज कर देना। तो गाइस ब्लैक की वैल्यू को रखेंगे हम प्लस 70। तो गाइस आप लोग देख सकते हो हमारे मॉडल के फेस पर लाइट आ चुकी है। तो इतना करने के बाद आप लोग चाहो तो कलर वाला ऑप्शन पर जाके टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो। इतना हो जाने को इधर से कर लेना डन। ओके गाइस इतना हो जाने के बाद फिर से हम मास्किंग टूल्स पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके फिर से रेडियल ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद इस बार हम क्या करेंगे, टी शर्ट पर रखेंगे जैसे मैं रख रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस रखने के बाद क्या करेंगे, कोने में लाइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इधर से एक्सपोजर की वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज करेंगे जैसे कि 29, एंड शेडो को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, और यहाँ से ब्लैक को भी थोड़ा इंक्रीज करेंगे जैसे कि 16। तो गाइस इतना हो जाने का कलर वाला ऑप्शन पर आके और टी शर्ट की कलर को डिक्रीज करेंगे। तो गाइस इसके वैल्यू को रखेंगे हम 19, और इस वाला मास्किंग टूल्स पर डबल टैप करके और एक को डुप्लीकेट कर लेंगे। करने के बाद फिर से डुप्लीकेट करके टी शर्ट पर कुछ इस टाइप से रख लेंगे। तो गाइस मैं जल्दी जल्दी यहाँ से कर लेता हूँ। करने के बाद ऊपर आप लोग इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, जो भी रेड कलर है इधर अप्लाई होगा। गाइस मैं इधर से टी शर्ट पर एडजस्ट कर लेता हूँ रेड कलर को, ऐसे हो चुकी है। फिर से इस ऑप्शन पर ऑफ कर देंगे। करने के बाद यहाँ से कर लेंगे डन।
तो गाइस आप लोग देख सकते हो बिफोर कुछ इस स्टेप से थे हमारी फोटो और आफ्टर इस स्टेप से देखने लगे। तो गाइस फिर से हम मस्किन टूल्स पर जाएंगे और प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके रेडियल ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद इस बार हम हैंड पर कुछ इस स्टेप से रखेंगे। रखने के बाद से लाइट वाला ऑप्शन पर आएंगे और ब्लैक को थोड़ा इंक्रीज करेंगे और एक्सपोजर को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। ना हो जाने के बाद क्या करेंगे हम उसे टैप करके रखेंगे और डुप्लीकेट करके हैंड पर कुछ इस स्टेप से एडजस्ट कर लेंगे। तो गाइस मैं जल्दी जल्दी हैंड पर एडजस्ट कर लेता हूँ। करने के बाद कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज करेंगे और टिंट को थोड़ा माइनस एंड यहाँ से कर लेंगे डन। गाइस आप लोग देख सकते हो हमारे मॉडल पर लाइट आ चुकी है। आप लोग देख सकते हो गाइस बिफोर एंड आफ्टर गाइस कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। तो गाइस हमारे फोटो में डिटेल्स ऐड करने के लिए इफेक्ट वाला ऑप्शन पर आएंगे जो कि है एयर, इस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद सबसे पहले टेक्सचर को इंक्रीज करेंगे जैसे कि 4 एंड क्लैरिटी को थोड़ा इंक्रीज करेंगे जैसे कि 10 एंड डीएच को भी थोड़ा इंक्रीज करेंगे और बिग्निटी को थोड़ा माइनस करेंगे जैसे कि 23 एंड मिड पॉइंट की वैल्यू को थोड़ा डिक्रीज करेंगे जैसे कि 36 एंड फेदर को कर देंगे प्लस 100। तो गाइस इतना हो जाने के बाद हाईलाइट को थोड़ा इंक्रीज करेंगे एंड इतना हो जाने के बाद नेक्स्ट हम डिटेल्स वाला टूल्स पर क्लिक करेंगे जो कि है ए वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। करने के बाद सबसे पहले यहाँ से शार्पनिंग को थोड़ा इंक्रीज कर देना जैसे कि 82 एंड थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना। मास्किंग को भी थोड़ा इंक्रीज करना जैसे कि 58 एंड नॉइस रिडक्शन को इंक्रीज करना। इससे क्या होता है गाइस हमारा फोटो स्मूथ होता है, फटता नहीं। ओके गाइस इतना कर लेने के बाद यहाँ से कर लेना है डन। तो गाइस हमारी फोटो फाइनल एडिट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस अगर आप लोग अपने फेस को स्मूथ करना चाहते हो लाइट रूम में तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर आप लोग देख सकते हो मास्किंग वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना और इस बार यहाँ से ब्रश वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना अपने फेस को स्मूथ करने के लिए। अपने फोटो को कुछ इस स्टेप से जूम कर लेना। जूम करने के बाद अपने फेस पर ब्रश को कुछ इस स्टेप से रखना। रखने के बाद इधर से ड्रॉ कर लेना। एक साइज में बताना आप लोगों को भूल गया गाइस, आप लोग इधर साइड में देख सकते हो साइज इधर और फ्लो को आप लोग 100 रखना और साइज को अपने हिसाब से रख लेना। रखने के बाद अपने फेस पर कुछ स्टेप से ड्रॉ कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ गाइस। मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो गाइस मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लिया हूँ। तो करने के बाद आप लोग देख सकते हो इफेक्ट वाला टूल, इस पर क्लिक करना। इधर देख सकते हो टेक्सचर क्लियरिटी एंड डीएच। सबसे पहले टेक्सचर के वैल्यू -100 कर देना। तो गाइस मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता था। जैसे ही टेक्सचर के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे हमारे फेस पर जितना भी दाब धब्बा है आप लोगों को साफ साफ दिखने लगेगा। और जैसे ही उसे माइनस की तरफ लेके जाएंगे हमारा फेस स्मूथ होने लगेगा। आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोगों को और थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यह रहा बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस अगर आप लोगों को फेस को और ज़्यादा स्मूथ करना है तो यहाँ से आप लोग क्लियरिटी की वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हो। तो गाइस मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ क्लियरिटी की वैल्यू को ज़्यादा डिक्रीज मत करना, यहाँ से खराब लगता है। तो आप लोगों को और एक ट्रिक बताता हूँ फेस को ज़्यादा स्मूथ करने के लिए। आप लोग डिटेल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप लोग इधर से नॉइस को बढ़ा देना जितना स्मूथ रखना चाहते हो। तो गाइस मैं इधर से रख लेता हूँ 63। तो गाइस इतना कर लेने के बाद आप लोग चाहो तो इधर से आप लोग थोड़ा लाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो अपने फोटो के हिसाब से और कलर वगैरह को आप लोग कौन सा स्किन कलर रखना चाहते हो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो गाइस मैं यहाँ से ज़्यादा नहीं करूँगा, यहाँ से कर लेता हूँ डन। तो गाइस फाइनली हमारी फोटो एडिट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो बिफोर हमारे फोटो कुछ इस टाइप से थी जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहा था और आफ्टर एडिट करने के बाद कुछ इस टाइप से दिखने लगी। तो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए ऊपर शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ से सेव टू डिवाइस कर देना, हमारी फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, सेव सून।